उठेगी कबीर पर, पुरानी कहानी के आगे का ट्विस्ट क्या होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां पिछले कुछ समय से कियारा आडवाणी हमें इतनी ज्यादा फिल्मों का हिस्सा बनते हुए दिखी हैं कि अब लगता है कि अगर किसी फिल्म में वो नहीं है तो उस फिल्म में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। आपको बता दें कि जहां कियारा आडवाणी अपने इसी अंदाज में हम सबका दिल जीतती आई हैं, यही वजह है कि उन्हें फिल्मों में देखने के लिए फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जहां कियारा आजकल अपने सीधे साधे और एंटरटेनिंग किरदारों के साथ हमें इतना ज्यादा इंप्रेस कर देती हैं कि फैंस अब उनको हर फिल्म में खोजते हैं। पर आपको याद दिला दें कि कियारा आडवाणी के करियर को मिला ये बूस्ट दरअसल एक शांत और चुपचाप से किरदार की वजह से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर सिंह की। शाहिद कपूर के साथ फिल्म कबीर सिंह में जहां कियारा प्रीति नाम की लड़की का किरदार निभाकर छा गई, अब लगता है कि इस फिल्म के सीक्वल के साथ प्रीति इस बार चुप नहीं बैठेगी। आपको बता दें कि लगता है एक बार फिर से हमें कबीर और प्रीति की ये लव स्टोरी हमें एंटरटेन करने वाली है। जी हाँ, लेकिन इस बार प्रीति नहीं बैठेगी चुप। जहाँ कबीर सिंह में प्रीति के किरदार में कियारा काफी ज्यादा सीधी सादी थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। कियारा आडवाणी की कबीर सिंह फिल्म में डायलॉग भी बहुत कम थे, और अब जहाँ ऐसी फिल्म को काफी ज्यादा टारगेट किया गया था, तो भाई लगता है कि प्रीति तोड़ने वाली है इस चुप्पी को, और इस कहानी में हमें देंगी एक अलग ट्विस्ट। जहाँ अभी तक शाहिद कपूर ने ही अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हमें किया था एंटरटेन, वहीं लगता है कि कबीर सिंह के सीक्वल में कियारा मार सकती है बाजी और एक नए किस्म के किरदार के साथ अपने प्रीति नाम के किरदार से देगी हमें कुछ रिफ्रेशिंग और काफी एंटरटेनिंग। अब इसी के लिए हमें करना पड़ेगा कबीर सिंह 2 के रिलीज का इंतजार, लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए। और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।